बारिश और बर्फबारी नहीं होने के कारण हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ सकता है। राज्य के किसानों को डर सता रहा है कि अगर मार्च में भी मौसम ने करवट नहीं ली तो उनकी फसलों का क्या होगा। पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के किसान इस साल मौसम की मार झेल रहे हैं। इस बार राज्य में बारिश और बर्फबारी में 72% की कमी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से खेती चौपट हो गई है। खराब मौसम के चलते गोभी और मटर तो हुई नहीं और सेब की फसल भी लगभग चौपट होने की कगार पर है। बहुत भारी नुकसान है जी, क्योंकि हमारी मटर की गोभी मर गई, गोभी मटर की फसल भी मर गई, आलू लगता था वो भी नहीं लगा पाए। अगर जब बारिश नहीं हुई, तो बारिश हो तो शायद आलू अभी लग सकता है, बीज वाला आलू लगता हमारे मतलब मार्च में, मार्च अप्रैल में। तो जैसे बारिश नहीं हो रही, फरवरी भी खत्म होने को आ गया, तो अगर अभी बारिश होती तो है कुछ उम्मीद है या? हाँ, उम्मीद ऐसे है कि भाई हम मतलब आलू की फसल तो लगा सकते हैं, कुछ गोभी भी लग सकती है। हमारा इस साल जो है वो बर्फ काफ़ी कम पड़ी है और नमी है नहीं हमारा ज़मीन में, जो सेब वगैरह इसके चांसेस लगने के बहुत कम है, तो हमारा तो ये डिपेंड इसी के ऊपर है हमारा जो बाकी कुल्लू और किन्नौर जैसे इलाकों में सेब की खेती होती है, लेकिन इस बार इन जिलों में 80% तक कम बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। सेब के बागीचों का हाल ऐसा है कि मानो ये शिमला नहीं बल्कि रेगिस्तान है। वहीं मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मार्च के महीने में थोड़े बहुत सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। अगर ओवरऑल सीजन देखा जाए, जनवरी फरवरी का महीना है, इसमें दोनों में जो है वो 72% जो बर्फबारी और जो बारिश है वो कम रही। इस बार जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें 50 से लेकर 60 जो परसेंट जो सामान्य से जो बर्फबारी प्रेसिपिटेशन है वो कम रही। अभी जो फोरकास्ट है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है, जिसका इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में कल से हो सकता है। 1 मार्च और 2 मार्च को हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल्स और हाई हिल्स वाले इलाके हैं, इसमें फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल और स्नोफॉल हो सकती है। निचले इलाकों में भी जो बारिश या थंडर शावर हो सकता है, कुछ एक जगह पे निचले इलाकों में हिल स्टॉर्म होने की भी पॉसिबिलिटी है। मगर राज्य के किसान इस साल अपनी फसलों को लेकर उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि बारिश और बर्फबारी की कमी के चलते इस साल हिमाचल प्रदेश के किसानों की फसल चौपट हो चुकी है। गो न्यूज़ ब्यूरो।